Hey guys, welcome to Motor Rock 10. कैसे आप लोग सब आज? दोस्तों, हर बार मैं आपके लिए कभी डिजाइन के लिए प्रेज नहीं करता हूँ, लेकिन कोई कोई गाड़ियाँ ऐसी स्टाइलिश लगती है कि उनके बारे में बात करने से रहा ही नहीं जाता है। BMW X4, अब ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी लुक गुड, हमने इसका रिव्यू भी किया था, लेकिन जो इसका अब फेसलिफ्ट आया है दैट डेफिनेटली स्टैंड आउट। और हमारे साथ आज जुड़ी है BMW की फेसलिफ्ट जो इंडिया में हाल ही में लॉन्च हुई है। इट्स द X4 का फेसलिफ्ट वर्जन, इसको कहते हैं ब्लैक शैडो एडिशन। इंडिया में सिर्फ यही वर्जन अवेलेबल है एंड देख लीजिए एक बार इसका लुक। आई फॉलन इन लव विद इट कम्प्लीटली। ओवरऑल जो इसकी डिज़ाइन है पहले तो अच्छी लगती थी, अब विद दिस न्यू ग्रे कलर जो इसमें दिया गया है, जो बड़ा सा फ्रंट ग्रिल दे दिया गया है, उसकी वजह से इसकी डिज़ाइन बहुत ही कैची हो जाती है। यू स्पॉट इट लाइक, वो देखो कुछ अच्छा जा रहा है, यू नो इट्स वेरी आई कैची। तो इसको नया फ्रंट ग्रिल दे दिया गया जैसे मैंने आपको बताया था फेसलिफ्ट में, और बड़ा कर दिया गया ग्रिल को, और जो वो टिपिकल किडनी ग्रिल रहता है BMW का विद दैट स्ट्राइप्स, उसे नहीं दिया गया यहाँ पे। आपको यहाँ पे एक फुल ब्लैक कलर का ग्रिल दे दिया गया है। तो इसके हेडलैम्प्स में आपको LEDs आते हैं, इनका थ्रो भी काफ़ी अच्छा है एंड इनका लुक क्योंकि अब स्लीक हो गया तो ज़्यादा अग्रेसिव लग रहा है। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जो इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर है स्पेसिफिकली, वो भी काफ़ी अपीलिंग हो गया है, क्योंकि ये ब्लैक एंड ग्रे का जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है इस पे। अब जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आओगे, आप नोटिस करोगे कि इस गाड़ी की लेंथ, मैं आपको बता दूं जस्ट एज अ रेफरेंस, ओके, X3 और X4 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। द बिगेस्ट डिफरेंस इज कि X4 जो है उसका स्पोर्टी वर्जन है, तो इस वजह से इसका जो रूफ लाइन है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स जाता है। इसमें आपको 20 इंच के व्हील्स आते हैं, ब्लैक कलर के व्हील्स, क्योंकि एक ही वर्जन आता है गाड़ी में, तो ये M बैजिंग के साथ आता है विद द M किट जो इस गाड़ी को दिया गया है। और जो आप नोटिस करोगे, जो ब्रेक कैलिपर है दैट्स रेड इन कलर पेंटेड। आपको रूफ रेल्स भी इस गाड़ी में आते हैं एंड दे आर ब्लैक इन कलर। ऑफकोर्स यू गेट द सनरूफ ऑल्सो ऑन दिस कार। सो ओवरऑल जो डिजाइन है साइड से, ये बहुत ही स्पोर्टी लुक दिया गया है इसको। दीज आर कॉल्ड स्पोर्ट्स कूपे कार्स। जब आप रियर पे जाओगे इस गाड़ी के, आप नोटिस करोगे कि इट लुक्स सो स्टाइलिश। मैं आपको वेरी ऑनेस्टली बताता हूँ, आई हैव नेवर बीन अ बिग फैन ऑफ BMW SUVs इन डिजाइन, बट ये गाड़ी को जो माइनर ट्वीकिंग किया गया है, जो इसको स्पोर्टी बनाया गया है, इट जस्ट लुक्स सो डैम प्रीमियम। आप पीछे नोटिस करोगे कि इसको एक स्पॉइलर दिया हुआ है विच इज सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटेड इन टू द कार, मतलब जैसे वो रूफ लाइन नीचे आ रहा है वो स्पॉइलर भी उसी के साथ नीचे आ रहा है, ऐसे नहीं कि स्पॉइलर इज स्टैंडिंग अप और समथिंग। दिस हैज बीन डन टू गिव इट अ लिटिल बेटर एरोडायनेमिक्स एंड ओवरऑल जो टेल लैम्प की स्टाइलिंग है, बड़े टेल लैम्प दिए हुए हैं। तो जो BMW की दूसरी सेडान्स आती है, जैसे 2 सीरीज आती है और द 8 सीरीज आती है, वो टाइप के टेल लैम्प का डिज़ाइन यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया गया है। आप नोटिस करोगे कि रियर बम्पर की भी स्टाइलिंग काफ़ी यूनिक है एंड इट लुक्स सो नाइस। मतलब आप एक बार नीचे देख लोगे, आपको पता चलेगा कि वो ब्लैक एंड ग्रे कलर का जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इट लुक्स फैंटास्टिक। लेट मी ओपन द बूट फॉर यू। इस गाड़ी का अगर आप बूट स्पेस देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये कूपे स्टाइल व्हीकल है, इस वजह से इसको काफ़ी जगह फ्री अप हो जाता है टू यूज़ इन द बूट। अब अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं, यहाँ आपको BMW का आइडिया है, तो BMW की एक गाड़ी आती थी 3GT एंड 5GT, उससे भी पहले आती थी, तो ये गाड़ियों का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये था कि एक तो वो ऊंची थी, सेडान थी, प्लस वो आपको अच्छा बूट स्पेस देती थी। तो ये X4 की भी वैसी कहानी है, जस्ट दैट इट्स मोर रेज, इट्स बेस्ड ऑन द X3 रादर देन द 3 सीरीज, तो ये एक डिफ्रेंसिएशन आ जाता है उसके अंदर, लेकिन बूट में जो जगह है इज जस्ट फैंटास्टिक। अब इससे पहले गाड़ी के अंदर जाऊँ, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। क्या आप जानते हैं जो हाई परफॉर्मेंस मॉडर्न डे इंजन रहते हैं वो अपना परफॉर्मेंस लूज कर जाता है बाय एटलीस्ट 10% ड्यू टू फ्रिक्शन लॉसेस? जी हाँ, और ये मेन कल्प्रिट इसका है इंजन ऑयल। तो कोई भी रेगुलर सिंथेटिक इंजन ऑयल से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कैस्ट्रॉल एज विथ फ्लूइड टाइटेनियम। इसमें क्या होता है, जब हाई प्रेशर डेवलप होता है तब इंजन ऑयल खुद को ट्रांसफॉर्म करता है, जिस वजह से आपके फ्रिक्शन लॉसेस घटेंगे एंड आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहेगा। चलो लेट्स गेट इनटू द कार। ऑलराइट गाइस, वी आर इनसाइड द कार नाउ। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये एक फेसलिफ्ट है, इट्स नॉट एन ऑल न्यू कार और समथिंग। सो इस वजह से काफी सारी चीजें सिमिलर है। सो फर्स्ट वी लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी बेसिक। यहाँ पे जो इसमें इंटीरियर आएगा वो स्पोर्टी आएगा, जस्ट लाइक द एक्सटीरियर, क्योंकि ये इट्स द M वर्जन जो किट है वो दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर। तो इस वजह से यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर वेरी स्पोर्टी। मतलब आपको वो प्रीमियम लुक जो चाहते हैं, ब्लैक एंड बेज एंड ऑल दैट कलर कॉम्बिनेशन, वो यहाँ नहीं दिखाई देगा। सो फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज द डैशबोर्ड, काफी हद तक सिमिलर है टू द प्रीवियस का।
बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ फेसलिफ्ट. ऐसे नहीं कि पूरी गाड़ी नहीं है, न्यू जनरेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ फेसलिफ्ट. सो आपका टच स्क्रीन सिस्टम इज सिमिलर, ये आप टच से ऑपरेट कर सकते हो. आपको यहाँ सेंटर में कंट्रोल्स दिए हुए हैं, वहाँ से ऑपरेट कर सकते हो. एंड मोर ओवर आपके पास जो एसी का सिस्टम है, द एसी वेंट्स, एवरीथिंग एल्स, ये सब सेम रह जाता है. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑन व्हाई डू वी स्टिल हैव सो मेनी बटन्स फॉर रेडियो. आई मीन आई डोंट नो हाउ ऑफन पीपल यूज रेडियो इंडिया में ऑन BMW, बट ठीक है, फेयर इनफ. स्टीयरिंग व्हील, I really love the way the steering wheel is. In fact, जो भी नई BMWs आई हैं, the new generation one specifically, the X3, X4, 7 series, 5 series, इनका steering पे जो softness दिया हुआ है, it just feels so rich. मतलब उसको हाथ लगा के you feel like, oh, it's so damn premium. I mean, if you've not tried it, or if you have tried it, tell me in comments अगर आपने try किया हुआ है. I'll be more than happy to know your reaction. क्योंकि मुझे I just love the way this steering is to feel. Without even driving it, मतलब of course the driving feel is great. But when you just touch it, it feels so nice. Plus इसके paddle shifters are so big, intruding outside. It just feels so sporty जब आप ये seat पे बैठते हो and you put your hands here. And it's just like, चलो अब let's go. Let's stop talking, let's just go types. दूसरे फीचर्स अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है. गियर लिवर इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन. यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वो स्टाइलिश वाला वर्जन नहीं दिया गया है. एंड ऑफकोर्स यू हैव योर मोड्स लाइक द इको प्रो, कम्फर्ट एंड द स्पोर्ट मोड्स, जो मैं आपको ड्राइव करते टाइम बताने वाला हूँ. हाउ डू दे फील एंड हाउ डू दे रिस्पॉन्ड. आपको बड़ा सा सनरूफ मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर. ऑफकोर्स दिस पैच कैन बी ओपन बट बैक पार्ट नहीं. बट ये बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ है इस गाड़ी के अंदर जो कैबिन को काफ़ी लिटअप कर देता है. वरना अगर मैं इसको बंद कर दूंगा, इट्स अ बिट टू डार्क क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक इंटीरियर्स है. सी, फिट एंड फिनिश के बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है. इसकी फिट एंड फिनिश इज फैंटास्टिक. सारी जगह पे आपको मेजरली सॉफ्ट टचेस ही मिल जाते हैं. एंड जो एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें आते थे, काफ़ी सारी चीज़ें, वो थोड़ी कम कर दी गई है. अब इसमें आपको 360 कैमरा नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल. आपके पास वायरलेस चार्जिंग जो है वो अब ऑप्शनल फीचर आ गया है. तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी में नहीं आती है. स्पीकर्स हार्मन कार्डन के हैं, विच साउंड रियली ब्रिलियंट. मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत बार हार्मन कार्डन प्ले किया है. आई विल प्ले फॉर यू अगेन दिस टाइम ऑल्सो. सो लिसन टू द म्यूजिक राइट नाउ. तो ऑलराइट गाइस, ये है इस गाड़ी का टच स्क्रीन सिस्टम. आप इसे इजीली ऑपरेट कर सकते हो. यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मीडिया, कॉम, नेविगेशन, कार, एप्स. तो अगर मैं मीडिया पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरा ब्लूटूथ या एप्पल कारप्ले का जो म्यूज़िक है, मैं यहाँ एग्जैक्टली प्ले कर सकता हूँ द वे आई वॉन्ट इट. फिर अगर मैं वापस होम पे चले जाऊँ, आई कैन गो टू नेविगेशन. नेविगेशन भी आपको यहाँ बताता है. इनफैक्ट आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी नेविगेशन आ जाता है इस गाड़ी में. आप मैप्स कार प्ले वाले भी खोल सकते हो. तो अगर इसमें गूगल मैप्स आपको यूज़ करना है रादर देन जो वो लोग ऑफर करें, यू कैन शिफ्ट टू दैट एज वेल. बाय द वे, इसको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले दिया हुआ, तो कोई वायर से मेरा फ़ोन फिलहाल कनेक्टेड नहीं है इस गाड़ी को. इफ़ यू सी दिस, माई फ़ोन इज़ राइट हियर एंड द मीडिया जो भी चल रहा है इस गाड़ी का, दैट्स ऑल वायरलेस कम्प्लीटली. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको ये बता दूं कि इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है. रिवर्स कैमरा इज़ प्रीटी गुड. सी दिस, द क्लैरिटी इज़ वेरी गुड. इसमें आपके पास यू गेट ऑल दीज एक्स्ट्रा सेंसर्स अक्रॉस द कार, बट आपको इसमें 360 कैमरा ऑफर नहीं किया गया है. सो ये इस गाड़ी की कहानी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स. अब जाते हैं ऑन द बैक सीट. ऑलराइट गाइस, अभी मैं सेकेंड रो में जाने से पहले फ्रंट सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लूँ. जस्ट फॉर योर रेफरेंस, माई हाइट इज 6 feet. अब सेकेंड रो में आते हैं. Here we come. Knee room, absolutely no problem. अब मैं properly बैठता हूँ, ज़रा एक second रुको. Knee room, अच्छी खासी है, कोई problem नहीं है. Headroom is also decent, not bad at all. मेरी height 6 feet, I can sit here आराम से. Two things जो मैं यहाँ definitely point out करना चाहता हूँ, जब आप ऐसे बैठते हो, आपको thigh support यहाँ थोड़ा कम है. ओके, दो लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं. आई थिंक थर्ड बंदा भी अगर बैठने जाए ना तो बैठ जाएगा, बट इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर द थर्ड पर्सन. ओवरऑल तीन लोग बैठ के जा सकते हैं, बट नॉट मे बी फॉर टू लॉन्ग. बट दो लोगों के लिए अच्छा खासा रिक्लाइन है सीट पे, यू कैन सिट आराम से. आपके पास बड़ा सा आर्म रेस्ट दिया हुआ है, सो टू पीपल कैन एंजॉय द बैक सीट फॉर श्योर. पीछे आपके पास एसी है, यू कैन एडजस्ट द एसी ऑल्सो पीछे. प्लस आपके पास टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए एट द बैक. आई विश इट द ब्लाइंडर्स होते, बट क्योंकि लाइट द ग्लास इज मेजरली यूवी कट, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. वहाँ पे कोई मेरा मेजर प्रॉब्लम नहीं है.
तीन लोग बैठ के जाएंगे तो तीनों के लिए 3 point सीट बेल्ट भी दे दिया गया है, सो देयर इज मोर देन सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। आपके पास लाइट भी यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा टो हुक दे दिया गया है, सो बेसिकली टू हैंग योर कोट वोट अगर पीछे हैंग करना है, सो इट्स अ गुड प्लेस टू बी, बट थोड़ा और थाई सपोर्ट हो सकता था। सो गाइज अभी हम आ गए हैं टू ड्राइव द कार, शुरू करते हैं गाड़ी को। दिस इज द डीजल जो हम चला रहे हैं, इट्स अ 3 liter इंजन और ये बनाती है क्लोज टू 620 Nm ऑफ टॉर्क। जाते हैं इसके नॉर्मल मोड में, चल रहे हैं अभी हम। ओहो दिस इज क्विक, क्या काफ़ी क्विक है एक्सेलरेशन गाड़ी। देखिए BMW अगर आप लेते हैं यू नीड टू बी वन थिंग वेरी अश्योर्ड कि आपको ड्राइविंग जो प्लेजर चाहिए वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। वैसे इसमें दो इंजन ऑप्शन आते हैं, एक आता है 2 liter का टर्बो पेट्रोल जो लगभग 265 BHP का पावर बनाता है, एंड जो ये आता है डीजल इंजन ये 3 liter का इंजन है एंड दिस प्रोड्यूस क्लोज टू 250 BHP ऑफ पावर, लेकिन इसका टॉर्क 600 तक जाता है विच इज़ वेयर द बिग डिफरेंसेज। दोनों में आपको 8-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। अब देखिए आई हैव नॉट ड्रिवन द न्यू पेट्रोल, आई हैव ड्रिवन द पेट्रोल बिफोर, ऐसे नहीं कि नहीं चला, उसका पावर अच्छा है, ऐसे नहीं कि पावर नहीं है, बट डीजल इज मैड, एब्सोल्युटली मैड, बहुत ज़बरदस्त पावर देता है। अब देखिए मैं इसको डालता हूँ इन स्पोर्ट मोड। वैसे इसमें 3 modes आते हैं, इको, कम्फर्ट, स्पोर्ट। कम्फर्ट इज द नॉर्मल मोड, अब मैंने इसको स्पोर्ट में डाल दिया है। आई एम समवेयर क्लोज टू से 60 और मैंने जैसे एक्सेलेरेटर दबाऊंगा, यू सी द एक्सेलरेशन, मेंटल क्रेजी एक्सेलरेशन है इस गाड़ी को। सो ओवरऑल पिकअप, ड्राइविंग क्वालिटी, फन टू ड्राइव, उसमें बोलते हैं ना टॉप नॉच है इसका ड्राइविंग डायनेमिक्स, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस गाड़ी में। एंड मोरओवर जो रोड पे मैं चला रहा हूँ इज एक्चुअली अ कॉन्क्रीट रोड, तो यहाँ पे रोड थोड़ा बाउंसी है, डिस्पाइट दैट आई कैन फील, आई कैन लिसन टू द नॉइस, टक 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 टायर में आवाज़ आ रही है इसकी, बट इनसाइड द कार मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, इट्स वेरी फ्लैट ऑन द इनसाइड। सो ये सारे फैक्टर्स की वजह से यू विल एंजॉय ड्राइविंग दिस कार। अब पहले जो BMW आती थी वो काफ़ी स्टिफ होती थी, तो जैसे अब जैसे यहाँ पे थोड़ा एक जॉइंट टाइप आएगा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप ये जॉइंट वॉइंट से कभी जाते हो ऊपर से, इट जस्ट यू नो यूज टू हिट यू, आपके वो बोलते हैं ना स्पाइन को जाके फील होगा, बट अब इतना स्मूथ हो गया BMW, द राइड क्वालिटी हैज इम्प्रूव्ड सो मच कि गाड़ी चलाने का मज़ा इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। प्लस आपकी हैंडलिंग में कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, ऑफकोर्स इट्स अ लिटिल सॉफ्टर। देखिए जो सेडान्स बनाई जाती है दोज आर मेड फॉर प्योर फन ड्राइविंग, लेकिन उनका भी कैरेक्टर अभी थोड़ा लेट बैक किया है उन्होंने, बट अभी भी अगर आप इसे यू नो मर्सिडीज से कंपेयर करो, आउडी से कंपेयर करो, इसका जो ड्राइविंग जॉय है वो अभी भी टॉप नॉच है। सो अगेन लाइक आई सेड, इसकी एक्सेलरेशन, ड्राइव क्वालिटी, फन टू ड्राइव, ये सारे एस्पेक्ट जो भी आप कहते हैं एंथूजियाज जो चाहता है उसको, वो सब कुछ एक X4 में मिल जाएगा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। सो ओवरऑल जो ड्राइव है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ज़बरदस्त है, इसके पैडल शिफ्टर्स आर वेरी इजी टू ऑपरेट, एंड ओवरऑल विजिबिलिटी भी गाड़ी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ अगर आप वो टाइप के हैं कि मेरे को बॉनेट का एज एग्जैक्टली देखना है, देन पॉसिबली आई विल रिकमेंड कि आपको दूसरी गाड़ी देख लो, इसमें आपको बॉनेट के पूरे वो एजेस नहीं दिखेंगे। मोरओवर अगर आप एक नॉर्मल कार से या एक सेडान से यू आर शिफ्टिंग टू एन X4, जो एक्सपीरियंस आपका रहेगा विल बी फेनोमिनल, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट यूज टू सिटिंग ऑन दैट हाई पोजिशन, ये गाड़ी बहुत ऊँची नहीं है एंड ये चलती है जस्ट लाइक अ कार, इट डजेंट फील लाइक अ SUV इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए आपको टू इंजॉय ड्राइविंग वो आपको यहाँ मिल जाते हैं, बट इफ़ यू आर थिंकिंग यार मेरे को गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आता है, देन पॉसिबली आपको अपना स्ट्रैटेजी रीथिंक करना पड़ेगा ऑफ लुकिंग एट दिस व्हीकल, अनलेस आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो लुक्स में बहुत ज़बरदस्त हो, देन या ऑफकोर्स द X4 इज अ ग्रेट चॉइस, लेकिन और ऐसे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है विच आर बेटर देन X4 इन डिज़ाइन। पैडल शिफ्टर्स गाड़ी जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, यू प्रेस द यू नो आप प्रेस करोगे एंड इट रिस्पॉन्ड्स वेरी क्विकली, ओवरऑल बहुत ही स्विफ्ट है इसका रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग, एंड स्पोर्ट में गाड़ी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती है। अब जैसे मैं इसका नॉर्मल में चलाऊंगा, इट ड्राइव्स वेल। बाय द वे मैंने आपको ये बता दूं कि जो तीनों मोड्स है उसमें आपका जो डायल्स है उसका कलर भी चेंज होते रहते हैं, ऑफकोर्स देयर इज नो डिफरेंस इन द लेआउट बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग द कलर, जैसे इको में इट गोज ऑन टू द ब्लू कलर। सो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस होगी कि ये गाड़ी, अभी देखिए इको में डाल दिया मैंने, ये गया इको में इनटू ब्लू कलर,
बट जो एम बैजिंग है, जो बीच का लेआउट है, वो सब अगर आपको चेंज करना है तो दैट हैज टू बी चेंज इन अ डिफरेंट वे. वो आपको चेंजेस करने के लिए आपको दूसरे कंट्रोल्स यूज करने पड़ेंगे. एक और एक चीज जो इस गाड़ी में कवर करना चाहता हूँ इज द हेड्स अप डिस्प्ले. अब हेड्स अप डिस्प्ले पे देखिए आपको स्पीड आ रहा है, उसके ऊपर जो आपको लाइंस दिख रहे हैं दैट इज बेसिकली योर आरपीएम. अगर मैं हार्ड एक्सेलेटर करता हूँ, एक्सेलेटर दबाता हूँ, देख रहे हैं तो यहाँ पे वो लाइंस बढ़ते जाते हैं, तो वो मेरा इंजन का आरपीएम है. और एक और एक चीज़ जो आता है वो है नेविगेशन. अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ नेविगेशन के लिए मेरे को ऐसा फुल मैप भी आ रहा है, यानी कि मुझे एक्चुअली मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा डेटा यहीं पे आ रहा है. द मैप इज शोइंग मी क्लियरली एवरीथिंग, वेयर डू हैव टू गो, हाउ डू हैव टू गो, सारी इन्फॉर्मेशन वो यहीं दे रहा है मुझे, जिससे मेरी ड्राइविंग और इजी हो जाएगी और मुझे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी झुक के देखना नहीं पड़ेगा और मैं आगे इन्वॉल्व रह सकता हूँ विद इन माई ड्राइविंग. मैं आगे रोड पे ही फोकस कर सकता हूँ. अब सवाल ये उठता है, इज X4 रियली वर्थ द मनी? ऑल राइट गाइज, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको लगता है बहुत मजा आया होगा फॉर श्योर विथ इट. अब यहाँ पे ये दो इंजन के साथ आती है, एक है 30i, एक है 30D. अब 30i का अगर आप पावर देखते हो, पावर एंड टॉर्क विजिवी, अगर आप डीजल का टॉर्क एंड पावर आप नोटिस करोगे कि डीजल बहुत ज़्यादा पावरफुल है. जी हाँ, इट इज़ डेफिनेटली अ लॉट मोर पावरफुल. तो इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो, यू आर लुकिंग टू बाय अ फन कार, करेक्ट? और कुछ रीज़न तो नहीं है आपको, अगर X4 चाहिए, इट्स लुक्स, फन, परफॉर्मेंस, यही सब चाहिए आपको, तो वहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन इज टू गो फॉर द डीजल इंजन. अब पेट्रोल इंजन जो आती है वो लगभग 82 लाख के आसपास आती है ऑन रोड मुंबई, एंड जो डीजल आता है इसका इज लगभग क्लोज टू 86 लाख रुपीज ऑन रोड. तो अगर मैं ये डिफ्रेंसिएशन प्राइस देखूँ, माई क्लियर चॉइसेस कि अगर मैं ये गाड़ी लेने जाऊँगा, मैं डीजल खरीदूंगा और मैं खुद डीजल रिकमेंड भी करूँगा फॉर द पावर एंड टॉर्क इट प्रोड्यूसेस. देखिए BMW ने इस गाड़ी को ज़्यादा स्टाइलिश बना दिया है, डिज़ाइन भी अच्छा बना दिया है, बट कहीं ना कहीं थोड़े फीचर्स भी काट दिए साथ में. सो इट्स अ ट्रेड ऑफ. पर अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, इट्स ऑलवेज अवेलेबल इन एक्सेसरीज, यू कैन परचेज देम, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एंड इफ यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी, आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी प्रॉब्लम्स. इनफैक्ट कि आप थोड़े एक्स्ट्रा और पैसे डाल के इसके में और एक्सेसरीज लगवा दो, जो उन्होंने कॉस्ट कट किया है टू कीप द प्राइसिंग इंटैक्ट. ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द BMW X4. मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़बरदस्त SUV है आपके लिए कंसिडर करने को, स्पेसिफिकली अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हो. डूड, दिस इज द चॉइस फॉर यू, क्लियरली. लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, इफ यू आर रियली कंफ्यूज विच कार टू बाय, आप एक फोन कॉल पे, जी यू कैन गेट ऑन टू अ फोन कॉल विद मी या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स से फॉर 15 to 20 minutes, जहाँ पे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है एंड किस वजह से. ऐसा सर्विस ना आपको कोई देता है ना देगा. ऑल यू हैव टू डू इज गो टू motorrocktin.com/car-consultancy. वहाँ हमने आपसे कुछ सवाल पूछे, फिल इन द आंसर्स एंड बुक योर कॉल टाइमिंग. इट्स एज सिंपल एज दैट. और हाँ, अगर आपने इतना वीडियो देखा, गिव इट अ बिग लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द motorrocktin YouTube चैनल, क्योंकि बहुत जल्द हम आपके लिए आने हैं बहुत सारा और एक्साइटिंग कॉन्टेंट ऑन अ डेली बेसिस. ऐसे नहीं कि कभी आता है कभी नहीं आता, नहीं, वी विल गेट यू कॉन्टेंट ऑन अ डेली बेसिस. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड बाजू में नोटिफिकेशन दिख रहा है बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर लीजिए, वरना यू आर गोना मिस आउट ऑन ऑल द लेटेस्ट वीडियोज जो हम ला रहे हैं. सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस. टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय.